नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वक्त अपनी आ यूट्यूब चैनल मैथ स्टोरी में तमारू स्वागत है। आज आप धोरण 7 विषय हिंदी सामयिक मूल्यांकन कसोटी सप्टेम्बर 2021 ओरिजिनल प्रश्नपत्र संपूर्ण सोल्यूशन मेळवीशुं। तो मित्रों, हजी सुधी जो आपने आ चेनल सब्सक्राइब न करी हो तो अत्यारे ज करी लो, तथा तमारा मित्रों ने सोल्यूशन मिली रहे ते माटे तेओने पण आ वीडियो शेर करो। चलो मित्रों, जो धोरण 7 विषय हिंदी एकम कसोटी सप्टेम्बर 2021। मित्रों, अंत सुधी वीडियो जोता रहो जेथी करीने तमने संपूर्ण सोल्यूशन मिली रहे। तो चलो, सौ प्रथम आपने प्रश्न आपेलो छे, प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेना कुल गुण छे 5। पहलो सवाल, हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए? तो जवाब आवशे, बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है। बीजो सवाल छे, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो जवाब आवशे, सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए। त्रीजो सवाल छे, हमें प्रभु की याद कब कब आती है? तो जवाब आवशे, जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सअप पर अपने फोन पे डाउनलोड का। 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, GE, NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है? तो जवाब आवशे, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स आदि। पांचवा सवाल पूछायेलो छे, ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं दो साधन के नाम लिखिए? तो आपणे जवाब आपी शकीए, साइकिल और नाव। त्यारबाद मित्रों, आगळ जोईए प्रश्न 2, दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, एटले के ज्यां ज्यां जे विराम चिन्ह आपेला नथी ते आपणे मूकवाना छे। जोईए पहेलुं वाक्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। तो तमे स्क्रीन पर जोई शको छो मित्रों, क्यां कयुं विराम चिन्ह आवशे ते तमारे मूकवानुं छे। तो दरेक नाम छे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, तेमां अल्पविराम आवशे और सहदेव 5 पांडव थे, अंते आवशे पूर्ण विराम। त्यारबाद जोईए बीजुं, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? तो कौन कहता है, अल्पविराम, कि भारत विज्ञान में पीछे है, पूर्ण विराम। ત્રીજું છે, રાધા કૃષ્ણ નાચ રહે હે? તો બનશે, રાધા કૃષ્ણ નાચ રહે હે, એટલે કે પાછળ આવશે પૂર્ણ વિરામ। ચોથું છે, ચાણક્યને કહા મેં તુમ્હારી રક્ષા કરુંગા? તો ચાણક્યને કહા કોમામાં મેં તુમ્હારી રક્ષા કરુંગા, પૂર્ણ વિરામ। પાંચમું છે, પ્રેમચંદ કા પ્રસિદ્ધ ઉપન્યાસ ગોદાન હે? તો આવશે, પ્રેમચંદ કા પ્રસિદ્ધ ઉપન્યાસ કોમામાં ગોદાન હે, આ પ્રમાણે બનાવી શકાય। ત્યારબાદ મિત્રો, આગળ છે પ્રશ્ન 3, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ? અહીં આપણને હિન્દીમાં ફકરો આપેલો છે જેને આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનો છે। તો એનું ભાષાંતર કંઈક આ રીતે થશે કે અમેરિકામાં સ્વામીજીના ભક્તોની સંખ્યા રોજ રોજ વધવા લાગી, ચારે તરફથી જિજ્ઞાસુ લોકો તેની પાસે આવતા અને તેમને પોતાના શહેરમાં આવવાનું આમંત્રણ આપતા। સ્વામીજી આખો દિવસ લગભગ વ્યસ્ત રહેતા, મોટા મોટા પ્રોફેસરો અને વિદ્વાનોએ તેમના ઉપદેશને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું અને તેમના શિષ્ય બની ગયા। ત્યારબાદ મિત્રો, આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 4, વિધાન શુદ્ધ રૂપ છે લખીએ, એટલે કે વાક્ય વ્યવસ્થિત બનાવવાનું છે। તો કેવી રીતે બનાવી શકાય જોઈએ। પહેલું, આપ કહાં સે આ રહે હે? તો એનો જવાબ આવશે, આપ કહાં સે આ રહે હે। ત્યારબાદ છે, આપ મેરા ઓર આ જાઈએ? તો આપણે કહી શકીએ, આપ મેરી ઓર આ જાઈએ। ત્રીજું છે, લડકે ખેલ રહે હે? તો જવાબ આવશે, લડકે ખેલ રહે હે। ચોથું છે, કુંજ દિન સબ્જિયા બેચતી હે? તો જવાબ આવશે, કુંજ દિન સબ્જિયા બેચતી હે। પાંચમું છે, રિક્ષા મેં દો આદમી બેઠે હે? તો કેવી રીતે બનાવી શકાય, તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, રિક્ષા મેં દો આદમી બેઠે હે। ત્યારબાદ મિત્રો, આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5, નિમ્નલિખિત મુદ્દો કે આધાર પર છે કહાની લખી? અહીં આપણને કેટલાક મુદ્દા આપેલા છે તેના ઉપરથી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે। તો કંઈક વાર્તા આપણે આ પ્રમાણે બનાવી શકીએ। 200 પુરાની બાત હે, એક ગાંવ મેં દેવદત્ત નામ કા બ્રાહ્મણ અપની પત્ની દેવકન્યા કે સાથ રહેતા થા, ઉન દોનો કી કોઈ સંતાન નહીં થી,
आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुँह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या ने मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मण अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौने के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मुंह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह अपनी पत्नी को रोते हुए की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देवकन्या तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो कही सकिए, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, आ हतुं तमारुं धोरण 7 हिंदीनुं सोल्यूशन। आवाज वीडियो साथे आपणे ફરી મળતા રહીશું। આપ સૌએ આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ધન્યવાદ।